नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूँ आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी, और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करेंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 10th of May 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर वीडियोस को पहली बार देख रहा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन, ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि सेशन की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ आप लोग हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। दोस्तों यहाँ पर आप लोग हमारा ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं जो कि अवेलेबल है प्ले स्टोर पर। तो यहाँ पर आपको फ्री वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, लेटेस्ट आर्टिकल्स मिलेंगे, डेली क्विजेस मिलेगी, डेली करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज और कंटेंट मिलेंगे, फ्री मॉक टेस्ट मिलेगी, जीके की कैप्सूल मिलेगी, और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आप लोग को जॉब नोटिफिकेशंस भी यहाँ पर दिए जाएंगे। सबसे पहले 1000 प्लस ऑनलाइन टेस्ट भी आप लोग यहाँ पर कवर कर सकते हैं ताकि आप लोग की जो प्रैक्टिस है उसमें स्पीडअप आता रहे। ठीक है, तो ये था पूरा इन्फॉर्मेशन जो हमें आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी थी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आपके और मेरे साथ दोस्तों हमारी स्क्रीन पर। ये रहा, अमंग द फॉलोइंग हु बिकेम इंडियाज लार्जेस्ट एफएमसीजी कंपनी सरपासिंग एचयूएल। तो यहाँ पर आप लोग को बताना है एचयूएल को सरपास करकर इंडिया का लार्जेस्ट एफएमसीजी कंपनी कौन सी बनी है। ठीक है, ऑप्शन आप लोग के सामने है, करेक्ट हो जाएगा अदानी विलमार। राइट, तो यहाँ पर दोस्तों अदानी विलमार लिमिटेड बिकम्स इंडियाज फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी एफएमसीजी कंपनी इन इंडिया, बीटिंग हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। ठीक है, एचयूएल जो पहले नंबर पर था अब वो सेकेंड नंबर पर हो गया, और उसके आगे कौन सी कंपनी आ गई है, अदानी। ठीक है, तो ये एक बात आप लोग इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। After the announcement of its quarter 4 result for the financial year 2022, AWL has reported total operating revenue 54,214 crore in the financial year 2022, where HUL reported only 51,468 crores, right? तो ये बात आपको इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे कि FMCG के बात करूँ तो यहाँ पर सबसे बड़ी कंपनी कौन सी हो जाती है, अदानी विलमार। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, which state or UT government has approved the policy with an aim to create ecosystem for people to launch startups and provide them with fiscal and non-fiscal incentives to collateral free loans and free consultancy. तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को बताना है कि कौन सी स्टेट की या फिर यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट ने यहाँ पर अपने राज्य की दोस्तों जो स्टार्टअप है, ठीक है, उसको हेल्प करने की बात है। पर ये बेसिकली क्वेश्चन ये पूछता है आपसे, है ना। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उसका क्या, दिल्ली। राइट, तो यहाँ पर दोस्तों दिल्ली कैबिनेट हैज अप्रूव्ड अ दिल्ली स्टार्टअप पॉलिसी विद एम टू क्रिएट एन इकोसिस्टम फॉर पीपल टू लॉन्च स्टार्टअप्स एंड प्रोवाइड देम विद फिस्कल एंड नॉन फिस्कल इंसेंटिव कोलेटरल फ्री लोन्स। कोलेटरल फ्री मतलब क्या होता है, जहां पर आपको सिक्योरिटी नहीं रखवानी पड़ती, ठीक है, मॉर्गेज नहीं करना पड़ता है कुछ भी, एंड फ्री कंसल्टेंसी फ्रॉम एक्सपर्ट्स लॉयर्स एंड सीए। The 20 members task force will be set up to oversee the startup policy. This committee will be headed by Delhi Finance Minister and to encourage, facilitate and support 15,000 startups by 2030. Right? तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि दिल्ली ने ये इनिशिएटिव लिया है कि 2030 तक कम से कम 15,000 स्टार्टअप को वो लोग क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, और उनको हेल्प फिस्कल और नॉन फिस्कल दोनों तरीके से मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, अमंग द फॉलोइंग विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चेस ई अधिगम स्कीम टू डिस्ट्रीब्यूट टैबलेट्स टू स्टूडेंट्स। यहाँ पर कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने बेसिकली यहाँ पर टैबलेट जो होते हैं दोस्तों, टैबलेट जिस पर जैसे आईपैड जैसा, मतलब बड़ा सा एक टैबलेट फॉर्म में, जो कि लैपटॉप भी नहीं है और छोटा फोन भी नहीं है, उसके बीच का कुछ, तो यहाँ पर ई अधिगम, ठीक है, ई अधिगम लॉन्च की गई है स्कीम कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि बच्चों को टैबलेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जा सके। ऑप्शन आप लोग के सामने है, करेक्ट हो जाएगा हरियाणा। राइट, तो हरियाणा गवर्नमेंट लॉन्चेस ई अधिगम अंडर विच नियरली 3 लाख स्टूडेंट विल रिसीव टैबलेट कंप्यूटर्स टू एड देयर ऑनलाइन एडुकेशन। ऑनलाइन एडुकेशन को तवज्जो देने के लिए, और साथ ही साथ उन 3 लाख स्टूडेंट को जो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे कि आपके टैबलेट्स, ठीक है। द स्टेट गवर्नमेंट हैज प्लान टू प्रोवाइड द गैजेट ऑफ 5 लाख स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर अनाउंस द एडवांस डिजिटल हरियाणा इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट विद अडेप्टिव मॉड्यूल्स अधिगम स्कीम एट महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी इन रोहतक हरियाणा। राइट, तो ये बात भी आप लोग इधर क्या करना, ध्यान रखना, स्कीम का नाम याद रख लेना, तो ये भी एक बात आपको इधर पॉइंट आउट करनी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, डैश गवर्नमेंट टू लॉन्च शैली ऐप फॉर डायग्नोजिंग एंड कंट्रोलिंग लाइफस्टाइल डिजीजेस। तो कौन सी गवर्नमेंट यहाँ पर शैली ऐप क्या किया है
लॉन्च किया है जो लाइफस्टाइल डिजीज को डायग्नोज करेगा, राइट, कंट्रोल करेगा। तो ऑप्शन आप लोग के सामने है, करेक्ट करेक्ट हो जाएगा केरला। पूरी बात यहाँ पर करेंगे, द गवर्नमेंट ऑफ केरला इज टू सेट अप एन एंड्रॉइड ऐप दैट इज शेली एम टू डायग्नोजिंग एंड कंट्रोलिंग द लाइफस्टाइल डिजीज अमंग द पीपल इन द स्टेट ऑफ केरला, राइट। द ऐप हैज बीन सेट अप एज अ पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग प्रोजेक्ट लॉन्च बाय द हेल्थ डिपार्टमेंट अंडर नवा केरला कर्मा प्लान, राइट। तो पहली बात तो ये ध्यान रख लेने की कौन सी गवर्नमेंट के द्वारा हो रहा है, तो ये केरला के द्वारा हो रहा है। और साथ ही साथ इस ऐप का नाम आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है, अंडर द हेल्थ स्क्रीनिंग प्रोजेक्ट, ठीक है। इस प्रोजेक्ट के अंदर दोस्तों आशा, आशा का फुल फॉर्म जैसे निमोनिक है, इसका फुल फॉर्म ध्यान रखना, एरेडिक्टेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट वर्कर्स हैव बीन टास्क्ड विद कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पर्सन ओवर द एज ऑफ 30 इन द रिस्पेक्टिव एरियाज अबाउट एनी लाइफस्टाइल डिजीज और रिस्क फैक्टर्स दे मे हैव। The app set up under e-health initiative would help to collect and codify the information quickly. The app would primarily collect information about diseases like diabetes, high blood pressure, heart disease, lung disease, as well as the life-related, lifestyle-related ailments and cancers, right? तो जो दोस्तों 30 उम्र के बाद लोगों को काफी सारी बीमारियों से बीपी रहने लग जाता है, डायबिटीज हो जाती है, ठीक है। तो इन सब चीजों को यहाँ पर डायग्नोज करने के लिए ऐप को यहाँ पर डेवलप किया गया केरला गवर्नमेंट के द्वारा। उसके लिए दोस्तों वर्कर्स को टास्क दिए जाएंगे कि वो एक स्पेशल सेक्टर में जाकर जितने भी 30 साल की उम्र के लोगों को डायग्नोज करे, ठीक है। द हेल्थ स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल वुड बी स्कोर्ड एंड दोज विद द स्कोर ऑफ द अबव 4 वुड हैव टू आस्क द नियरेस्ट आस्क टू विजिट अ नियर हेल्थ सेंटर टू चेक अप फॉर अ लाइफस्टाइल डिजीज, राइट। तो जिनकी अगर प्रॉब्लम वहां पर दिखाई देगी तो उन्हें ये एडवाइस किया जाएगा कि नियरेस्ट हेल्थ स्टोर में जाकर दोस्तों आप लोग क्या करें, अपना चेकअप वेकअप कराएं और लाइफस्टाइल डिजीज से बचें। नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। एवरी ईयर ड्यूरिंग डैश द यूनियन नेशन मार्क्स द टाइम फॉर रिमेंबरेंस एंड रिकंसिलिएशन फॉर दोज हु लॉस्ट देयर लाइफ ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। कब यहाँ पर किस दिन मनाया जाता है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा May 8 and 9। तो यहाँ पर दोस्तों इस साल 2022 में 77 एनिवर्सरी मनाई गई वर्ल्ड वॉर सेकेंड की, ठीक है। और यहाँ पर उन लोगों के रिमेम्बरेंस में इस दिन को 8th और 9th मई को रखा गया है कि जो लोग यहाँ पर अपनी लाइफ्स को खोए थे, हु लॉस्ट देयर लाइफ ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इस दिन उन्हें याद करके इस दिवस को मनाया जाता है। थीम नहीं दी गई है, थीम आपको याद नहीं करनी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। अ बुक इंडो पाक वॉर 1971 रेमिनिसेंसेस ऑफ द एयर वॉरियर्स रिलीज्ड बाय, ऑप्शंस आर देयर ऑन योर स्क्रीन, करेक्ट विल बी राजनाथ सिंह। तो यहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज रिलीज्ड अ बुक टाइटल इंडो पाक वॉर 1971 रेमिनिसेंसेस फॉर द एयर वॉरियर्स ऑफ द 37th एयर चीफ मार्शल पीसी लाल मेमोरियल लेक्चरर ऑर्गेनाइज बाय द एयरफोर्स एसोसिएशन इन न्यू दिल्ली। नाउ आपको क्या ध्यान रखना है, बुक्स एंड ऑथर्स में मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो जहां पर आपको ऑथर पूछ लेगा तो बुक का नाम बताना पड़ेगा, बुक पूछ लेगा तो ऑथर का नाम बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे कर इसमें आप लोगों को क्या करना है, मैच द फॉलोइंग करनी है और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। तो आप प्लीज इसको टेबल फॉर्म में आप लोग याद करें तो ये ज्यादा बेटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते बात करते क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। द नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन इज अ जॉइंट वेंचर कंपनी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर्ड एट, ठीक है। तो ऑप्शन आप लोगों के सामने है, करेक्ट हो जाएगा न्यू दिल्ली। तो यहाँ पर दोस्तों NCRTC टू रिसीव इंडिया फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन एट सालवी, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, पूरी बात यहाँ पर पढ़ेंगे। एट ऑलस्टॉम सालवी प्रोजेक्ट इन गुजरात द NCRTC विल रिसीव इंडिया फर्स्ट सेमी हाई स्पीड ट्रेन सेट फॉर RRTS, मनोज जोशी सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री इन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, राइट। तो यहाँ पर RRTS सेट आर प्रोड्यूस अंडर टू मेक इंडिया इनिशिएटिव एंड कैन रीच अ टॉप स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो यहाँ पर इस ट्रेन की स्पीड कितनी रहेगी, 180 किलोमीटर पर आवर, राइट। द ट्रेन विल बी ट्रांसपोर्टेड टू दुहाई डिपोर्ट इन UP वेयर इट विल बी रिपेयर्ड एंड ऑपरेटेड। कुशन्ड सीटिंग, लैपटॉप मोबाइल चार्जिंग, लगेज रैक्स, डायनेमिक रूट मैप आर अमंग द मॉडर्न कंप्यूटर सेंट्रिक फीचर्स आर कंप्लीटली एयर कंडीशन एयर ट्रेन। तो यहाँ पर क्या क्या रहेगा, कुशन सीटिंग मतलब जो सीट्स रहेगी वो बिल्कुल पफी रहेंगी, साथ ही साथ लैपटॉप और मोबाइल के लिए चार्जिंग स्लॉट्स रहेंगे, लगेज के लिए रैक्स रहेगी और रूट मैप के लिए दोस्तों एकदम मॉडर्न तरीके से कंप्यूटर रहेगा और AC तो रहेगी। तो NCRTC इज चार्ज ऑफ पुटिंग इंडिया फर्स्ट RRTS कॉरिडोर बिटवीन दिल्ली एंड मेरठ इन टू एक्शन, 82 किलोमीटर्स लॉन्ग रूट अंडर द कंस्ट्रक्शन, राइट। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। टोनी ब्रुक्स हु हैज रिसेंटली पास्ड अवे बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, ऑप्शंस आर देयर ऑन योर स्क्रीन, करेक्ट विल बी रेसर। फॉर्मूला 1 के विनर 1950s में
टोनी ब्रुक इनका क्या हो चुका है, देहांत हो चुका है। इंटरनेशनल ऑर्बिचरी है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। ऑर्बिचरी हमेशा दोस्तों क्वेश्चन बनाती है, ठीक है, मैंने हमेशा बोला आप लोगों को, तो ऑर्बिचरी भी थोड़ा आप ध्यान देंगे। टोनी ब्रुक्स अ ब्रिटिश रेसिंग ड्राइवर हु वॉन सिक्स फॉर्मुला वन ग्रैंड प्रिक्स इन 1950s वाज निकनेम्ड द रेसिंग डेंटिस्ट हैज पास्ड अवे। ही वाज बोर्न इन यूके 1932। टोनी रिटायर्ड फ्रॉम द स्पोर्ट एज ऑफ 29 आफ्टर ड्राइविंग फोर टीम्स बीएमडब्ल्यू वैन वॉल फेरारी एंड कूपर। राइट, तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, इधर ध्यान रखेंगे, इसका एक नोट बना लीजिएगा, ऑर्बिचरी का अलग से पार्ट नोट बना लीजिएगा मंथ वाइज। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। विच बैंक हैज लॉन्च स्किल लोन्स इन एसोसिएशन विद द एएसएपी केरला एडिशनल स्किल एक्विजिशन प्रोग्राम। ऑप्शंस आर देयर ऑन योर स्क्रीन, करेक्ट विल बी कैनरा बैंक। तो दोस्तों यहाँ पर कैनरा बैंक है, सिंडिकेट बैंक मर्ज हो गई है, ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए पहली बात तो, ठीक है। तो कैनरा बैंक का आप लोग हेडक्वार्टर याद करोगे, टैगलाइन याद करोगे, एमडी सीईओ का नाम याद करोगे, ठीक है। तो कैनरा बैंक हैज लॉन्च स्किल लोन्स इन एसोसिएशन विद द एडिशनल स्किल एक्विजिशन प्रोग्राम द गवर्नमेंट कंपनी अंडर द हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। अंडर दिस फैसिलिटी द लोन इज रेंजिंग फ्रॉम 5,000 to 1.5 lakh। This loan can be availed by students who are pursuing skill training programs which are offered by ASAP Kerala and any other center or state government recognized agencies, right? तो ये बात ध्यान रखना कि यहाँ पर Canara Bank ने tie up किया है ASAP के साथ to launch skill loans, ठीक है? Skill loans जो कि कितने के रहेंगे? 5,000 से लेकर 1.5 लाख तक के लोन यहाँ पर रेंज में रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन की। इंडिया फर्स्ट ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी विल बी सेट अप इन विच स्टेट। ऑप्शंस आर देयर ऑन योर स्क्रीन, करेक्ट विल बी ओडिशा। तो यहाँ पर ओडिशा प्लान किया है टू क्रिएट इंडियाज ओनली ऑब्जर्वेटरी विच विल हाउस डेटा ऑन द स्टेट इंडिजीनियस पॉपुलेशन हेल्थ। द SC/ST डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एंड RMRC अ रीजनल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडियन काउंसिल एंड मेडिकल रिसर्च, ठीक है। तो यहाँ पर जो ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी है इज द फर्स्ट इन द नेशन अकॉर्डिंग टू द इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट एंड इज एम टू बी एन इफेक्टिव एंड एविडेंस बेस्ड एंड पॉलिसी ओरिएंटेड सेंटर, राइट। तो यहाँ पर जो दोस्तों सबसे बड़ी बात है वो पॉइंट नंबर 3 यहाँ पर रहेगा आप लोगों को कि ये मो स्कूल अभियान चेयरमैन सुष्मिता बागची ऑल्सो इनॉग्रेटेड अ ट्राइबल फैमिली हेल्थ सर्वे अमंग इंडिजिनियस ग्रुप्स ड्यूरिंग द इवेंट इन द MOU वॉज साइंड, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ओडिशा आपको सब जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है वो ये याद रखना है कि ओडिशा यहाँ पर फर्स्ट ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी को क्या कर रहा है, होस्ट कर रहा है पहली बार इंडिया में, सबसे बड़ी बात। और दूसरा यहाँ पर ट्रीहॉब, ठीक है, ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी, ठीक है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को, ये फर्स्ट इन द नेशन है। साथ ही साथ दिस सर्वे विल सर्व एज अ स्प्रिंग बोर्ड फॉर फ्यूचर लॉन्गिट्यूडनल कोहर्ट स्टडीज एंड पॉलिसी रिसर्च, राइट, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ये था हमारा पूरा टॉप 10 करेंट अफेयर्स का सेशन, आशा करती हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक करना मत भूलेगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो में डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आ जाए। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।